First, introduce yourself. My name is Gaurav Mehta. I am from SLBS Engineering College, Jodhpur. Myself, Debit, I am from SLBS Engineering College, Jodhpur. I am Balkishan Gaurav from SLBS Engineering College, Jodhpur. आप लोगों ने यहाँ पे क्या क्या सीखा? हमने यहाँ पे PLC सीखा, SCADA और मोटर ड्राइवर। PLCs में आपने क्या क्या सीखा? PLC में वायरिंग प्रोग्राम। कौन कितनी PLCs पे आपने वर्क किया यहाँ पे? एलन ब्रेडली एंड डेल्टा। अच्छा, उसमें आपने अंदर क्या क्या मतलब वायरिंग और क्या क्या सीखा इसके साथ? एलन ब्रेडली के वायरिंग सारे सीखे, वायरिंग को पूरा ओपन करके उसके कैसे वायरिंग आगे यूज होते हैं और ये भी सीखा कि कहाँ पे इंडस्ट्री में या कहाँ पे यूज आते हैं सब। और सेम टाइप डेल्टा में भी यही हम नहीं यूज किया। तो आप मतलब इससे आप इजीली प्रोग्रामिंग कर सकते हो किसी भी, जैसे इंडस्ट्रियल पर्पस में अपन देखते हैं उसकी कोई भी एप्लीकेशन रन करवानी है तो आप करा सकते हो कि आप 5 सेकंड डिले रखना है या 10 सेकंड डिले रखना है तो आप करवा सकते हो। हाँ, मशीन वो अपने प्रोग्रामिंग दे सकते हैं कि मशीन जैसे 5 सेकंड अगर बाद में अपन मूव करवानी हो तो उसकी वैसे प्रोग्रामिंग हो जाएगी। मतलब 2-3 मशीन है तो उसको अपन 5-5 सेकंड में मूव करवानी हो या 10-10 सेकंड को, इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से अपन मूवमेंट प्रोग्रामिंग देके मूव करवा सकते हैं। तो फिर इससे आप रिले कॉन्टैक्टर्स का यूज कर सकते हैं इजीली, PLC के थ्रू आप स्विचिंग करवा सकते हैं इजीली। और आपने स्काडा में क्या क्या, कौन सी कंपनी का स्काडा था? इंटच। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपने क्या क्या सीखा इंटच में? इंटच में हमने रेसिपी मैनेजर सीखा और स्क्रिप्ट। अच्छा, तो जैसे कोई बोटल्स के ऊपर आप प्रॉपर्टीज यूज करते हो वो सब हमने सीखा, मूवमेंट करवाना, लिफ्ट करवाना वगैरह पूरा स्काडा। तो आप लोगों ने कोई प्रोजेक्ट बनाया है इस पे? तो दिखा सकते हो अभी? इसमें क्या हो रहा है सर? इसमें ये बोटल्स ऊपर से आ रही है, हैंगर से पकड़ के ले जा रहे हैं और यहाँ पे वापस कलर बेल्ट चलेगा, इस कलर बेल्ट पे वापस यहाँ रुकेगी और ये फिल होगी बोटल्स, तीनों बोटलें फिल होगी और इसके बाद में ये आगे जाएगी कैप लगने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब ये कैप कहाँ लगेगी? इसके थ्रू? इसके इसके थ्रू लगेगी और यहाँ पे इसके अंदर काउंटर भी लगा हुआ है, काउंट भी करता है और ये चेक भी करता है बोटल्स को, मतलब फील हुई या उसके कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और ये आगे जाएगी पैकिंग के लिए। अच्छा, पैकिंग के लिए अब आगे जाएगी। अच्छा, तो अब ये इसको लिफ्ट कर रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं उठा के। हाँ, ये मतलब पैकिंग के लिए भेज दी हमने। ठीक है, अब इससे इस बटन से नेक्स्ट विंडो पे चलेंगे, इस पे ये इधर से कार्टून आ रहा है ऊपर और वो पीछे वाले विंडो से यहाँ पे ये बोटल्स आ गई। अच्छा, तो पूरे बोटलिंग प्लांट का आपने मतलब एक ओवरव्यू बना दिया है कि हाँ ऐसे काम करता है। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आएगा ये कार्टून, इसके ऊपर ढक्कन लगेगा, ये पैक हो जाएगा पूरा। अच्छा, इसकी पूरी पैकिंग हो रही है? पैकिंग हो गई, अब यहाँ पे इसके लेबल लग जाएगा इसके ऊपर और यहाँ पे ये चेक भी होगा कि मतलब पूरा पैक हुआ है या नहीं, कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और यहाँ पे आगे, अच्छा, और ये जो जिसपे मूव हो रही है ये कन्वेयर बेल्ट है? हाँ। अच्छा अच्छा, और इससे अब हाँ आगे भेज देंगे लोडिंग के लिए और ट्रांसपोर्ट। अब यहाँ पे हम लोड करवाएंगे गाड़ी के अंदर, लोड होने के बाद हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भेजेंगे इसको। अच्छा, ये आपका प्रोजेक्ट है, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए आप लोगों ने? एक लिफ्ट वाला। अच्छा, लिफ्ट वाला। मैंने लिफ्ट वाला प्रोजेक्ट बनाया, इसमें लिफ्ट का पूरा मूवमेंट बताएगा, पूरा लिफ्ट कैसे, लिफ्ट के जो गेट है किस तरह से ओपन होते हैं वो सब कुछ बताएगा। सपोज अभी मेरी लिफ्ट, आप अभी मेरे लिफ्ट इस फ्लोर पे है, सपोज ये फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, अभी मेरी लिफ्ट जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे है, ठीक है, मैं अगर सेकंड फ्लोर का बटन जो प्रेस किया तो मेरी जो लिफ्ट है ये ऐसा मूवमेंट करना स्टार्ट करेगी और यहाँ पर पहुँचेगी। अब मैंने यहाँ पे 30 सेकंड के लिए तो क्या हुआ, तो आगे के 5 सेकंड के लिए ओपन होगा, फिर यह रुकेगी 20 सेकंड, उसके बाद में लास्ट के 5 सेकंड में वापस बंद हो जाएगी। अब मैं सपोज यहाँ से इसको थर्ड फ्लोर पर ले जाना चाहता हूँ तो मेरे को थर्ड वाला प्रेस करना पड़ेगा। अब इसमें जो ये मूवमेंट बता रहा है कि लिफ्ट ऊपर की तरफ मूव कर रही है, इसलिए जो एरो है ये ऊपर की तरफ मूवमेंट बता रहा है। अब यहाँ पे आएगी लिफ्ट, रुकेगी, जिसको बैठना है वो बैठेगा, उसके बाद वापस क्लोज होगी। अभी आप इस मतलब किसी भी फ्लोर पे जाओ मतलब इसका मूवमेंट करवा सकते हो। तो ये लिफ्ट के अंदर जो बटन है वो किस लिए, किस यूज़ में आ रहे हैं? वो लिफ्ट को उसके लिए हैं कि आप उसको मूवमेंट करवा सकते हो। सपोज कोई अभी यहाँ पे है और उसको फर्स्ट फ्लोर पे आना है,
उससे भी मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि अंदर भी कुछ लोग बैठे होंगे लिफ्ट के अंदर खड़े हैं सब, वो भी उनका भी मूवमेंट, वो बटन प्रेस करेंगे तो उसके हिसाब से उनको जिस फ्लोर पर जाना है उस फ्लोर पर वो जा सकते हैं। अच्छा। और सब वो जैसे मैंने यहाँ पे थर्ड फ्लोर का बटन प्रेस किया और मैं बीच में सेकंड का प्रेस कर लेता हूँ तो ये पहले सेकंड पर रुकेगी फिर उसके बाद में तक जाएगी। अच्छा अच्छा मतलब पूरा एक तुमने जो बिल्डिंग्स में यूज़ करते हैं वो तुमने बना के रखी। साथ में इसमें इमरजेंसी का भी लगाया है, इमरजेंसी में अगर रोकना चाहूँ तो मैं यहाँ लिफ्ट जो है जैसे स्टॉप प्रेस करूँगा तो ये सपोज मैंने सेकंड प्रेस किया तो अभी सेकंड पर आएगी, और मैंने जैसे स्टॉप का बटन प्रेस किया तो ये यहाँ पे स्टॉप होगा। अच्छा अच्छा मतलब इमरजेंसी के लिए स्टॉप कर सकता हूँ, फिर उसके बाद में वापस आकर मूवमेंट करवाना तो वो मूवमेंट करा सकता हूँ। चलो अच्छा प्रोजेक्ट है। अच्छा और यहाँ पे तुमने क्या क्या सीखा? यहाँ पे हमने एक मोटर ड्राइव सीखा है, तो सबसे पहले तो हमने ड्राइव के जो पैरामीटर्स होते हैं उनके बारे में सीखा, जो कि स्टार्टिंग सोर्स के पैरामीटर, जो उसको स्टॉप करने के पैरामीटर, सारे पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद में बिना पीएलसी को यूज़ किए हुए किस तरह से हम मोटर का कनेक्शन है तो मोटर को रिवर्स उसको मूव कराना है, फॉरवर्ड मूव कराना, वो हमने किया बिना विदाउट यूजिंग द पीएलसी। और उसके बाद में हमने पीएलसी में प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम से फिर हमने पीएलसी के प्रोग्राम के थ्रू किस तरह से मोटर को मूव कराना है, फॉरवर्ड है, रिवर्स है, या 5 सेकंड के लिए रुकवाना है या 5 सेकंड के लिए चलाना है, जो भी आप प्रोग्राम दोगे उसके हिसाब से वो मोटर रन करेगी। अच्छा, मतलब बिना पीएलसी के भी किया और पीएलसी के साथ भी किया हमने, तो मतलब पूरी वायरिंग आप लोगों ने वायरिंग भी की उसके बाद में हमने पूरा रिले कॉन्टैक्टर्स और इनका आपने अच्छे से यूज किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ये बताइए। एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था, हम लोगों का काफी कुछ सीखा है हमने यहाँ पे आके, कुछ नया सीखा है, मतलब समर ट्रेनिंग पूरी जो थी उसने पीएलसी इसका जो हम सीखने आए थे अच्छे से वो हमें पूरा अच्छे से सिखाया गया है, और उन लोगों का गाइड वाइड सब जो टीचर्स थे सारे अच्छे थे, तो हमने पूरे मोटर पीएलसी लिया फिर स्कार्टा का ले तो सबका हमने अच्छे से खुद ने वायरिंग खोल के सब कुछ हमने खुद ने अपने हाथ से। और आपने इंडस्ट्रियल विजिट भी किया क्या इस ट्रेनिंग के थ्रू? हमने इंडस्ट्रियल विजिट भी किया था, हमने सरस फैक्ट्री का इंडस्ट्रियल विजिट किया। अच्छा, सरस में भी आपने पूरा ये जो आपका बोल्डिंग प्लांट था जो आप मुझे दिखा रहे थे इसी टाइप से पैकिंग और पैकेजिंग हो रही हुई, जो पूरा ऑटोमेशन वाला पूरा वही का एक तुमने कंसेप्ट यहाँ पे मतलब आपने यूज़ किया उसका ट्रांसपोर्टेशन और इसका कैसे हो पूरा। चलो अच्छी बात है।